हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज प्रिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये मैंने एक वूल ले ली है, आपको कोई भी दो कलर चाहिएंगे तो आप ये दो कलर की वूल ले लीजिएगा। और हम इस तरह की जो चौड़े दांतों वाली होती है वाली कॉम चाहिए हमें, और हमें साथ में चाहिए सीजर और हमें ये चाहिए निडल। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो है कॉम में अपना जो है यहाँ से शुरू में इतना धागा आपको छोड़ के रखना है। तो मैं ये वाला अपना जो है धागा इतना छोड़ दिया है मैंने, इसको यहाँ रखूँगी। और ये देखिए, ये मैंने एक इस तरह से लिया पीछे से, ये देखिए, और फिर इसको ऊपर से, ये देखिए एक छोड़ा एक लिया, ये देखिए अब ये वाला छोड़ दिया। अब मैंने ये वाला लिया इस तरह से, ये देखिए ये मैंने एक छोड़ दिया है, एक ले लिया है, एक छोड़ दिया है, एक ले लिया है, ऐसे ही करके आपको पूरी रो बनानी है। देखिए इतना मैंने ले लिया है ये, और इतनी ही मुझे इसकी लेंथ चाहिएगी। अब मैं इसे इस तरफ से लाऊंगी, ये देखिए एक छोड़ दिया है, एक ले लिया है। अब हमने जो हमने छोड़े थे हमें उनमें डालना है, जैसे मैंने इसमें डालना है, अब ये वाला हमने छोड़ा हुआ था तो अब मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए ये मेरी सेकंड लेयर, ये देखिए इस तरह से फंसाते हुए मुझे इसको कंप्लीट करना है। दोनों ही लेयर हमारी देखिए कंप्लीट हो गई हैं, और हमें जो है ये टाइट ही रखना है, यहाँ से लूज नहीं छोड़ना। इसी तरह से और कर लेंगे, सेम पैटर्न को हम फॉलो करते रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे साइज़ की बात करूँ, क्योंकि कई बार किसी के लड्डू गोपाल जी छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, अलग अलग साइज़ में आते हैं नंबर के हिसाब से, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, अपने लड्डू गोपाल जी के जो सिर का जहाँ पे हमारा जो कैप का सबसे नीचे वाला एरिया आएगा, किसी पेपर से उसे मेजर कर लीजिएगा, मतलब कोई लंबी सी पेपर की स्ट्रिप काटिए और उसे मेजर कर लीजिए वो कहाँ पर जुड़ रही हैं आपस में, और फिर कॉम के ऊपर निशान लगा लीजिए कि आपको कितना चौड़ा चाहिएगा। इसी तरह से बहुत ईजीली आप बना पाएंगे। और जो चौड़ाई है मतलब लंबाई है उसकी, तो देखिए यहाँ पे इतनी इनफ रहेगी, क्योंकि हम दो कलर का बना रहे हैं, हम बॉर्डर भी बनाएंगे। तो मैंने ये यहाँ पे एंड कर दिया अपना ये वाला कलर, और ये देखिए जो मैंने धागा छोड़ा था वो, और ये जो लास्ट का धागा है इनको जोड़ते हुए मैं इसमें इस तरह से नोट लगा लूँगी। और आपको जो है वो दो नोट लगानी है ताकि ये टाइट से अच्छे से बंध जाए, खुले नहीं। और आप चाहें तो सिर्फ एक कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर लगा के आप दो कलर से बनाएंगे तो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है। और अब मैंने इसे अच्छे से नॉट लगा दी हैं, और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे हम इस तरह से सीजर से कट कर देंगे, और ये हमारा एक कलर हो गया है। अब हम इसमें जो हम दूसरा कलर लगा रहे हैं इसके बॉर्डर के लिए वो लेंगे, और उसको भी हमें बाहर ऐसे छोड़ते हुए थोड़ा सा, और उसको भी इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम बना लेंगे 4 से 5 लाइनें। आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा पतला ऊन है तो 2-3 लाइनें फालतू बना दीजिएगा, और उसको भी सेम पैटर्न फॉलो करते रहेंगे जैसे हमने पहले वाले कलर में किया था, और इस तरह से अच्छे से फिक्स करते हुए हम बना लेंगे। देखिए यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इस पे भी मैं इसी तरह से थ्रेड में पीछे की तरफ ले जाके और नॉट लगा दूंगी। अब ये जो पहली रो है मैं इसमें से सुई डालूंगी, और आपको ध्यान रखना है कि आपका एक भी जो ये धागा है वो छूटे नहीं, नहीं तो जो है आपका पैटर्न खराब हो जाएगा और हमारा सारा खुल जाएगा। आपको एक एक धागा देख के डालना है बिल्कुल, और क्योंकि जो है मेरा ऊपर वाला धागा मोटा है और नीचे वाला पतला है, तो आप इधर से किसी और निडल की हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इसे उठा दीजिए। ये देखिए, और ये इस तरह से देखिए, ये सारी की सारी जितनी भी हैं सब आ गई हैं निडल में, ये देखिए कोई बची नहीं है। ओके, और अब मैं इसे निकाल लूँगी, ये देखिए मैंने निकाल ली है। और अब आपको जो है ऊपर से नीचे की तरफ, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ आना है, पहले आप इस तरफ आए थे तो अब आपको इस साइड से जाना है।
आपकी निडल बड़ी है तो वो एक बार में ही आ जाएगी, लेकिन अगर निडल छोटी है आपकी तो आप उसे आधा आधा करके भी डाल सकते हैं। देखिए ये इस तरह से फिर से ऊपर चली गई है और अब इसे आप खींच लीजिए इस तरह। अब फिर से आपको ऊपर से जाना है, इसी तरह से आपको पैटर्न बनाते रहना है और जो है हम सब तरह से इसको पिरो लेंगे। और अब ये देखिए मैंने जो है सब तरह से पैटर्न क्रिएट करते हुए इस तरह से हर जो लाइन है उसमें एक एक अपने धागे को लेते हुए पिरो लिया है बहुत अच्छे से। और अब मैं इसे कॉम में से निकाल लूँगी। अब मैं आपको धीरे धीरे इस तरह से इसे कॉम से हटाते हुए कॉम में से बाहर निकाल लेना है और बहुत ही ईजी है ये बनाना, आपके बच्चे भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये देखिए ये बन गया है और अब मैं इसे राउंड शेप देते हुए मतलब दोनों साइड से मोड़ूंगी तो ऑटोमेटिकली ये राउंड हो जाएंगे। और ये देखिए मैं इस तरफ से भी सारे धागे, आप ध्यान रखिएगा एक भी जो आपका धागा है रिंग है वो रह ना जाए, ध्यान से देते हुए और मैं इसको इस तरह से पिरो लूँगी और ये आपस में ज्वाइन कर लूँगी मैं इनको। अब फिर से इस तरफ से डालते हुए मैं इसको फिर से उधर की साइड ले जाऊँगी क्योंकि हमें इसे ऊपर से बंद करना है, तो जो आपका मतलब मेन कलर है उस तरफ ही फिर से ले जाइए इसको। ये हमारा नीचे बॉर्डर आ गया येलो और ये देखिए ये ऊपर की साइड है। अब आपको दोनों तरफ से एक इधर से एक इधर से लेयर लेनी है और सुई से बंद करते रहना है। देखिए मैं वीडियो में किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए इधर से लिया और सामने की तरफ से निकाल दिया, इस तरह से आपको ये जोड़ देना है। बहुत ज़्यादा खींच के मत कीजिएगा, आपको हल्के हल्के हाथों से ही करना है। ये देखिए आप बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो पैटर्न बहुत गंदा सा आएगा, खिंचा खिंचा सा, तो आपको खींचना बिल्कुल नहीं है इस तरह से इस करते हुए टाइम। और ये देखिए ये अपने आप ही खुद ही गोल होता जाएगा, आपको एक जो कैप का सा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। ये देखिए इस तरह से। और अब आप अपने धागे को बीच में ले आइएगा सेंटर में। देखिए मैंने इसको हाथ से थोड़ी सी शेप दे दी है और ये मैंने पॉम्पॉम बना रखा था पहले से ही बॉर्डर वाले कलर का, तो आप बॉर्डर वाले कलर का दीजिएगा इसे कंट्रास्ट में। और इस तरह से मैंने ये पॉम्पॉम ऊपर लगा दिया है और अब इस पॉम्पॉम को अच्छे से इसमें टाँका भरते हुए आप अच्छे से उल्टी साइड ले जाते हुए इसमें एक नॉट लगा दीजिए ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए इस तरह से। और देखिए हमारी सुंदर सी छोटी सी लड्डू गोपाल जी की कैप बनके तैयार है। जिन्हें क्रोशिया और सिलाई वगैरह बिल्कुल नहीं आती वो भी इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। और देखिए लड्डू गोपाल जी से पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।